मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और अभी मम्मी बना रही है कुछ तो खाना, और मम्मी का मैं हेल्प करूँ क्योंकि मम्मी का कमर पे लगी है चोट, गिर गई थी। पता नहीं कैसे गिर जाती है रोज रोज, बुढ़ी हो गई। नहीं मम्मी कहेंगे, पापा को बोलेंगे पापा ने लगे दो। सो सुबह सुबह मिक्सी खराब हो गई, पता नहीं कुछ तो हुआ है, तो मैं ही कूट रहा हूँ। मम्मी को बोल रहा हूँ मम्मी मेरे को दो अदरक लहसुन और जितने भी मरीच वगैरह है सब कुछ मेरे को दो। और फिश मम्मी ने लगा के गई है, अभी गई है बाहर, तो मैं ही देख रहा हूँ फिश को, मतलब फिश को। और साथ में अभी मेरे घर के सामने से ना ट्रेन गुजरती है, तो यहाँ का लोकल ट्रेन कुछ दिखने में कुछ ऐसा है जो कि आपका वहाँ पे कैसे आई डोंट नो। जो लोग मुंबई में रहते हैं, जो लोग वेस्ट बंगाल में रहते हैं, उनका अलग अलग तरीके का होता है। और ये वो फिश है, मेरे को बोला है पलटने के लिए। मैंने ना फिश को पलटना आता नहीं है, तो फिर मेरे से एक दो फिश मुझे लग रहा है कि टूट ही जाएगा। आई डोंट नो क्या होगा नहीं होगा, मैं ट्राई कर रहा हूँ कि इसमें एक भी फिश ना टूटे। और मम्मी का एक आर्ट है कि मम्मी सारे फिश को पलट देते बिना तोड़े, और जो कि ना मेरे से बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है। इस बात का डर लग रहा है कि उसका तेल छिटक के आके मेरे ऊपर ना गिर जाए, तो मैं तो बहुत ज़्यादा फट रही है। और ये तक ये जो डर था वही हुआ, ये फट गई। अब मम्मी आके मेरे को डांटेगी, कोई नहीं, मम्मी को बोलूँगा मम्मी मैंने पहली बार ट्राई तो किया एटलीस्ट, तो शायद मम्मी डांटेगी भी नहीं, और देखते हैं क्या होता है। और ये ना फिश पलटना बहुत मतलब आसान काम तो नहीं है, बहुत मतलब टेक्निक लगती है, और जो कि ना मेरे को पता है नहीं कैसे क्या करते हैं। मम्मी लोगों को सब कुछ पता होता है क्योंकि मम्मी का डेली का काम रहता है ना। और जो लोग फिश नहीं खाते तो इस वाले पार्ट को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगता है क्योंकि जानवर मारने, मगर हम लोग बंगाली हैं तो थोड़ा बहुत खा लेते हैं फिश वगैरह। सो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। सो यहाँ पे देख सकते हो, मैं तो कुछ लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर क्या लिख रहा हूँ और कहाँ से लिख रहा हूँ आई डोंट नो। मेरे सामने कुछ तो पीडीएफ खुल चुका था, मैं वैसे ही खोल के कुछ ना कुछ देखते रहता हूँ। तो उसके बाद तो ये थोड़ा बहुत यूट्यूब से देख रहा था, थोड़ा सा बुक लेके बैठते हो क्या, नींद आ जाती है, क्या मस्त नींद आती है, बिल्कुल 10:25 पे नींद खुलती है। और देखता हूँ उठ के लेक्चर शुरू हो चुका है, जो कि ना मैम लेक्चर ले रही थी, और इसमें टॉपिक है, क्या टॉपिक है ये भी तो नहीं पता, डायबिटीज मेलेटस चल रहा है टॉपिक, तो ये तो इतना तो आता है। तो कोई नहीं, मैम अपना पढ़ा रही है, अपना लेक्चर दे रही है, तो मैं थोड़ा सा उठ चुका हूँ। और उठने के बाद मेरे को एक सरप्राइज मिला, जो कि ना मैंने कुछ ऑर्डर किया था दो दिन तीन दिन पहले, और वो आ चुका है। तो चलिए अनबॉक्सिंग करते हैं। ये तो पैकेट आ चुका है, सो क्या ही करेंगे। और ये फटा हुआ है, अरे फटा ही हुआ है, सो बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, और इसको सुबह पीऊँगा। साथ में ना इसके गर्म पानी के साथ पीने से सुना है कि फैट बहुत जल्दी रिड्यूस होता है, तो इसमें भी लिखा हुआ है कि वाटर सुबह सुबह पीना है, और विनेगर वाटर जूस एंड फ्रूट जूस, ये बहुत सही है। बोल रहे कि ये रिप्लेस कर दे लेमन जूस को भी, और इतना अच्छा इसका रिजल्ट है, देखते हैं हम पियेंगे उसके बाद ही पता चलेगा। सो दिस इज़ द प्रोडक्ट जो कि मैंने ऑर्डर किया था, और ये आया है, और इस पर शाइनिंग देखो क्या मस्त लग रही है। तो चलिए इसको भी ओपन करते हैं और अंदर क्या है वो भी देखते हैं। सो एक साइड से खुला हुआ जब आया, और आई होप ये पीछे वाला ना नहीं, ये टन टन नन। सो दिस इज द बॉटल, डाबर हिमालयन, जो कि इस पे भी लिखा हुआ है। सो अभी तक लेक्चर तो चल रही है, और मैम बोले जा रही है बहुत देर से बोले जा रही है, और पता नहीं एक ही टॉपिक का रिपीट किए जा रही है, जो कि आप देख रहे हो थोड़ा बहुत है। और दूसरी मैम की भी क्लास शुरू हो चुकी है, जो कि ना अभी है COPD की क्लास है, तो एक दिन में दो लेक्चर है आज के लिए, तो ये वाला भी क्लास कर लेते, उसके बाद मिलते हैं। सर के लेक्चर देखते देखते पागल हो चुका हूँ मैं, अब थोड़ा सा चाय पीने का मन कर रहा है, और चाय आज खुद बनाएगा देखते, क्योंकि सुबह से लेके नॉर्मल वाली चाय पीती ना, ग्रीन टी पीती, और उसमें कुछ मज़ा तो आता नहीं है, मगर अभी एक दूध चाय पियेंगे ज़रूर, मगर देखते हैं कि क्या क्या है सामान।
सामान तो खैर सब कुछ है, मगर मेरे को तलब लगी थी मसाला चाय की, तो कुछ मसाले ख़त्म हो गए, वो दोबारा लाना पड़ेंगे, ला के फिर बनाना पड़ेगा। उससे बढ़िया ग्रीन टी दोबारा पी लेता हूँ। सो क्लास होती है ख़त्म, और उसके बाद मैं चाय भी पी चुका हूँ। और हाय बेला, कम कम छत पर जाओ। ये मैं शायद घर आने के बाद सेकेंड टाइम में आ रहा हूँ छत पे, क्योंकि मैं छत पे इतना ज़्यादा आता नहीं है, नहीं मेरे को धूप पसंद नहीं होती है। मैं और बेला ऊपर आए थे और कपड़े कुछ सूखने थे, उसको उठा लिया जो कि ये है, और बेला को मैंने हल्का सा नहला दिया है, तो बेला अभी तो सूख रही है। आजा बेला इधर, कम बेला कम। वो पता नहीं उसके बीच में कुछ देखा होगा, कीड़ा छोटा छोटा उसको ढूंढती रहती है, उसको ना ना बोलूँ ना ना बोलूँ तब जल्दी सुनती है। चलो नीचे चलते, मगर तुम तो भीगे हुए हो। चलो इधर आओ, इधर आओ, थोड़ा सा धूप में आओ, मैं भी खड़ा हूँ, मुझे दोनों खड़े रहेंगे, उसके बाद चल जाएंगे, नीचे चलेंगे, हाँ सुबह चलेंगे, थोड़ा सा धूप में। दो दिन लेक्चर हो चुका है, दो दिन का लेक्चर बहुत ही बेकार था, अब पता नहीं अगला कैसे होगा, कल का भी है। तो गाइस अभी दूध बन रही है तीसरी चाय, और जो कि ना दूध वाली चाय है, और मेरा ब्लॉग पता नहीं लोग आके मेरे से अलग से क्वेश्चन करते, भाई तुमने कल चाय नहीं पी क्या, और क्यों करे ब्लॉग में दिखे नहीं, मेरे भाई दिखाना रोज जरूरी नहीं होता है। फिलहाल चाय तो बन चुकी है, और चाय भी डाल लेते हैं, और उससे पहले कि गैस ये मेरा ऑन ही है, अभी तक मैं चाय डाल रहा हूँ, मैं सामने ऑन है मेरे को दिख रहा है, मगर मैं फिर भी पहले चाय डालूँगा, उसके बाद ही उसको ऑफ़ करूँगा, क्योंकि पहले चाय है उसके बाद ही वो सब है। और मैंने अपने लिए निकाल लिया, और उसके साथ साथ ये गैस बंद कर दिया, ठीक है मैंने अपने वाला निकाल लिया, और पापा के लिए भी निकाल देता हूँ, क्योंकि पापा के लिए भी लेके जाएंगे मम्मी, और मैं अपने चाय में चीनी नहीं डालता हूँ, तो पापा वाले भी मैंने डाला नहीं है, तो मम्मी को बोलूँगा कि अलग से चीनी ले जाए, जिन ले जाकर डाल के दे, मगर मेरे वाले चाय में अगर चीनी डाल दे तो मेरा दिमाग बिल्कुल फट सा जाता है। तो चाय हो चुकी है रेडी, और मैं और मम्मी पियेंगे चाय, और पापा के लिए भी पूरा रेडी कर दिया है, तो अभी पापा के ये कैप लगा देते हैं, नहीं तो पूरी की पूरी चाय ठंडी हो जाएगी, फिर कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। ये वाला मेरा चाय है, और ये वाला चाय कुछ ज़्यादा ही बन गया अब तो। सो चाय पी के तो गया था अपना जिम, जिम से आने के बाद बहुत थकान से महसूस हो रहा है, और बहुत ज़्यादा ही एक्सरसाइज कर लिया, और मैंने फ़ोटो लेने भी भूल गया, तो नहा धो के बिल्कुल तैयार हो चुका हूँ, और अभी जाना है सोने। तो आशा करता हूँ अभी तक ब्लॉग आपने देख लिया होगा, अगर देख लिया है तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, हो सकता है सब्सक्राइब कर देना, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो कमेंट में बता सकते हो सब्सक्राइब नहीं किया, मगर रोज़ देखते हैं ब्लॉग, क्योंकि देख रहा हूँ कि न्यू व्यूअर्स का जो है ना काउंटिंग वो बढ़ चुका है। तो मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहना, जय हिंद, सबको खुश भी रखना।